friends, welcome back to my channel. Today I'm going to make strawberry cake, so let's get started. To make strawberry cake, we need maida, I have taken 1 cup of maida. Then half tablespoon baking soda and half tablespoon baking powder. Mix it. Then in another container, take half cup of oil and half cup of sugar. You can even take powdered sugar. I have taken normal sugar we use. Mix it. After that, add some milk to it. I have taken 1 cup of milk. Now I have added half cup of milk. Mix it together. Now add some strawberry essence. Now add your maida. Add little so that lumps will not be there. Now add rest of the maida. अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. And make it like a thick batter. तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये थिक बैटर जैसा बन गया है ऑलमोस्ट. और हमको इतना भी थिक नहीं चाहिए, तो पहले हम इनको मिक्स कर लेते हैं. अभी अच्छे से मिक्स हो गया है. अभी हम इसके अंदर हमारा जो बचा हुआ दूध था वो डाल देंगे. आप कॉफी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक फाइन बैटर बना लेंगे. सो आप देख सकते हो मेरा बैटर रेडी हो गया है. मुझे इसको थोड़ा और पिंक बनाना है, तो मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर रही हूँ. तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना अच्छा पिंक कलर आ गया इसका, स्ट्रॉबेरी टाइप कलर आ गया. यू कैन सी एकदम ब्यूटीफुल सा, एकदम अच्छा थिक बैटर बन गया है.
सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा थिक ज़्यादा हो गया, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया। फ्रेंड्स अभी देखिए, अभी थोड़ा सा नॉर्मल टाइप हो गया है, तो हमारा सही बैटर बन गया है। नाउ कीप इट असाइड। अब आप जिस कंटेनर में अपना केक बनाने वाले हो, उसको आपको पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इसको ब्रश की मदद से ऑयल से ग्रीस करिए। आप चाहो तो बटर पेपर भी लगा सकते हो। हम इसको ऑयल से ग्रीस इसलिए करिए ताकि ये जो हमारा केक है वो ज्यादा चिपकेगा नहीं जब हम निकालेंगे उसको। ओके, सो हमारा ऑयल से हमारा ये वाला बेकिंग कंटेनर ग्रीस हो गया है। अब हमारा जो बैटर है हम उसको डाल देंगे। हमारा बैटर आ गया है बेकिंग कंटेनर के अंदर। हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि सेट हो जाए। तो हम इसको रखते हैं हम ओवन में। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको ओवन में रख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं इसको लगा रही हूँ 2 मिनट पे। सॉरी, ये फ्रेंड्स, तो मैंने इसको 2 मिनट पे लगा दिए और हमारा केक बन रहा है। फ्रेंड्स, आप केक को गार्निश करने के लिए, ऊपर से इसको डेकोरेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, या फिर शुगर स्टैंड यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है अवेलेबल। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा 2 मिनट्स में मेरा केक रेडी हो गया है, और मैं उसको अभी चेक कर देती हूँ। तो देखिए, हमारी नाइफ बहुत क्लीन निकली, और इसको आप एडल्ट सुपरविजन में नाइफ को यूज़ करना। अभी हमको चाहिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। हम गए यहाँ पे ये, तो पहले सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेंगे। ओके, तो मैं इसको ऐसे निकाल लेती हूँ, निकल जाए। इसलिए हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ऐसे। मैं बहुत गर्म है। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करा हमने इसको। देखिए फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स, तो मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। इसको हमको सबसे पहले नाइफ़, या फिर आप लोग नाइफ भी दे सकते हो। मैंने इसको पहले ऐसे करना चाहिए, फिर ही इसको निकालना चाहिए, ताकि इसका जो स्टिक स्टक हो गया होगा, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसको अभी कर लिया। अब हम निकाल के देखते हैं इसको निकलता है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जब भी नहीं निकल रहा, मैं इसको निकाल के लाती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा केक निकल गया, थोड़ा सा दूध भी कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम इसको जल्दी से डेकोरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ स्पेशल बनाई इसके लिए, जो है व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम का एक साचे मिलता है, उसको आपको एक साचे को डालना है कंटेनर में, और फिर आपको मिल्क डालना है उसके अंदर, 1/2 कप मिल्क, कोल्ड मिल्क डालना है, और फिर हमको इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है मिक्सर ग्राइंडर में, और फिर आपका ऐसा पफी जैसा थोड़ा सा आपको क्रीम मिल जाएगा, जो आप आपके केक्स पे, केक वगैरह पे डाल सकते हो। मैं इसको सबसे पहले केक पे इसको मैं डालूँगी। सबसे पहले हम इसको डालेंगे व्हिपिंग क्रीम को, ताकि जो हमारे स्पाइकल्स है वो शाइन करेंगे, कलरफुल वाले। तो ये थोड़ा सा ऐसे गिरने देंगे हम इसको, बस बाहर नहीं लेना चाहिए। हम इसको अच्छे से ऐसे कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स देख सकते हो, बहुत टेस्टी सा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, और भी खाने का मन कर रहा है। तो आप इसको आपके डिनर के बाद में आप स्वीट डिश में यूज़ कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। ये जो क्रीम है, ये एक्चुअल में बहुत टेस्टी लगता है।
हम क्रीम को थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ताकि गिरे ना। तो आप ये क्रीम को यहाँ पे डाल सकते हो विदाउट प्रेसिंग दैट क्रीम। अगर आपको व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी नहीं समझ आई होंगी तो आप लोग जो व्हिपिंग क्रीम का जो बॉक्स होता है उसके पीछे में लिखा रहता है इंस्ट्रक्शंस में, आप वो पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स तो मैं आपको मिलती हूँ इसको देखो। तो फ्रेंड्स देखो अभी मैंने पूरा इसको परफेक्टली कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर स्टैंड जो इजी के अवेलेबल रहती है कोई भी शॉप पे। हम इसके अंदर भर के एकदम ज़्यादा डालेंगे ताकि डेकोरेट हो जाए अच्छे से। और ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मौसम इसके आजू बाजू डालते हैं सबसे अच्छा लगता है। बहुत सारे शुगर स्टैंड डाल दिए, देखिए हमारा केक बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। ओके अब हम इसको और ज़्यादा बहुत टेस्टी बनाने के लिए हम इसको किटकैट लगा देंगे। चॉकलेट आप कोई भी चॉकलेट से यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी स्टैंड खड़ा कर सकती हूँ या फिर इसको मैं ऐसे रख सकती हूँ या फिर मैं इसको ऐसे रख दूंगी। दिस इज द बेस्ट वे। ओके सो आप देख सकते हो अभी मेरा चॉकलेट केक, चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी केक रेडी, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट भी आ गई है। आपको चॉकलेट का भी लेने, चॉकलेट का भी मज़ा लेने मिलेगा स्ट्रॉबेरी केक के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा केक बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। अब बस मैं इसको टेस्ट करती हूँ, देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। इट्स वेरी 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 टेस्टी। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैंने खुद से केक बनाया है। और आपको भी रेसिपी मिल गई है केक बनाने की, आप लोग भी घर पे इसको जरूर ट्राई करना। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी है और बहुत इजी, ठीक है आप लोग जरूर ट्राई करना है। ओके सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। ओके तो आपको ऐसी वीडियोस देखने मिलेंगी मेरे चैनल पर। ओके फ्रेंड्स बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।